हेलो एवरीवन माय नेम इज़ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट डीपीपी यानी कि डीपीपी नंबर सेवन डीपीपी नंबर सेवन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डबल सर्कुलेशन पर बेस्ड हैं और डबल सर्कुलेशन आप सभी जानते हैं कि बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग यानी कि ह्यूमन में सिस्टेमिक सर्कुलेशन का इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा आपको पहला ऑप्शन दिया जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल फिर लिखा हुआ है कि ये कैरी करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टिश्यूज में तो ये पूरा कंसेप्ट यहां पर गलत हो जाता है हम कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल कैरी किया होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक मेजर आर्टरी एयोरटा की हेल्प से टिश्यूज में जाता है तो पहला ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हो गया है सेकेंड हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल फिर लिखा हुआ है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है टिश्यूज में तो यहां पर यह बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि राइट वेंट्रिकल कैरी किया होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए तो ये ऑप्शन भी यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है अगला ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि डी ब्लड को भेजता है टिश्यूज में तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज में जाता है डी ब्लड टिश्यूज में नहीं जाता है तो ये ऑप्शन भी यहां पर क्या हो जाता है पूरी तरह से इनकरेक्ट आपको यहां पर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करना है तो अगला ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज में भेजता है तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहां तक फिर टिश्यूज से डी ब्लड जो है वो हार्ट के राइट right ऑरिकल तक आता है ये भी बिल्कुल सही है तो जैसा कि हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके एरटा की हेल्प से टिश्यूज तक भेजता है और टिश्यूज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक मेजर वैन जिसको वैना कावा कहते हैं उसकी हेल्प से हार्ट के राइट right ऑरिकल तक पहुंचाते हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन डी और क्यों होगा ये मैंने आपको समझा दिया अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पहला स्टेटमेंट है वेंस आर टिपिकली लार्जर इन डायमीटर देन आर्टरीज यानी कि वेंस का जो डायमीटर होता है वो आर्टरीज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है तो मैं आपको वैन और आर्टरीज के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूं जो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वैसे तो वैन और आर्टरीज में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं लेकिन एक डिफरेंस आपको बता रहा हूं कि वैन जो है उनका डायमीटर आर्टरी के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है जबकि आर्टरीज की मस्क्यूलर वॉल की थिकनेस वैन के कॉम्पेरिजन में बहुत ज्यादा होती है तो ये एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि वैन या वैन्स जो है उनका जो डायमीटर है वो आर्टरी से ज्यादा है और आर्टरीज जो है उनकी मस्क्यूलर वॉल की थिकनेस जो है वो वेंस से ज्यादा है तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है दूसरा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज ब्लड फ्लोज मोर रैपिडली इन कैपिलरीज देन इन अदर पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई आर्टरी आर्टेरियोल कैपलरीज में डिवाइड होती है तो कैपलरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है वो आर्टरीज के कॉम्पेरिजन में या वेंस के कॉम्पेरिजन में हमेशा बहुत कम होता है एंड ब्लड का प्रेशर जो है वो भी कैपलरीज में आर्टरीज के कॉम्पेरिजन में यहां तक कि वेंस के कॉम्पेरिजन में कम होता है इसके कारण ही जो कैपेलरीज हैं वो ज्यादा टाइम प्रोवाइड कर सकती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यानी कि ये ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है कैसे इनकरेक्ट है मैं आपको समझा देता हूं आर्टरीज कैपलरीज uh, की साइज स्मॉल होती है इसमें कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि वैन या कह सकते हैं आर्टरी के कॉम्पेरिजन में कैपिलरीज़ की जो डायमीटर है वो बहुत छोटा होता है लेकिन जब भी कोई आर्टरी कैपलरीज में इस तरीके से ब्रेकअप होती है तो आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इस आर्टरी के पास था अब वही वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो वेरियस ब्रेकअप होने के बाद बनने वाली कैपलरीज में प्रेजेंट होगा इसका मतलब साफ है कि ब्लड का जो प्रेशर होगा या ब्लड का जो फ्लो होगा वो आर्टरी के कॉम्पेरिजन में यहां तक कि वेंस के कॉम्पेरिजन में कैपलरीज में क्या होगा बहुत कम होगा इसी वजह से कैपलरीज जो हैं उनमें ब्लड का प्रेशर और फ्लो कम होने की वजह से यहां ज्यादा टाइम मिल जाता है इन कैपलरीज के अंदर के ब्लड को कि वो गैसियस एक्शेंज टिश्यूज के साथ जो है वो मैक्सिमम कर सकें तो यहां पर ये यह ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है आपको ये याद रखना है सी ऑप्शन कह रहा है वॉल ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक तो बिल्कुल सही है जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल इलास्टिक होती है और इस वजह से ब्लड के प्रेशर में कोई भी वेरिएशन आने पर यानी कि ब्लड का प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा या कम होने की कंडीशन में ये आर्टरीज अपनी इलास्टिक वॉल की वजह से अपने आप को स्ट्रैच और श्रिंक कर सकती हैं यानी कि ये फैल सकती हैं और ये सिकुड़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर तो ये ऑप्शन भी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है और अगला ऑप्शन है यहां पर वैन्स हैव थिन मस्क्यूलर वॉल देन आर्टरी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि वैन और आर्टरीज में दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप हमेशा याद रखिए स्ट्रक्चरल डिफरेंसिस वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ब्लड के फ्लो को लेकर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्लड फ्लो को लेकर ब्लड के प्रेशर को लेकर लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप हमेशा याद रखिए कि वैन की जो मस्क्युलर वॉल होती है वो आर्टरीज के कॉम्पेरिजन में पतली होती है थिन होती है तो ये भी यहां पर करेक्ट है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर होना चाहिए डेट इज ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रूली अस्टेमिक सर्कुलेशन पाथवे आपको बताना है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथवे को रिप्रेजेंट करने वाला एक सही सीक्वेंस इनमें से कौन सा होगा तो जल्दी से हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन को रिवाइज कर लेते हैं हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से आप देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिटरल वॉल्व या बाइक स्पीड वॉल्व की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक मेजर आर्टरी एओर्टा के थ्रू आपके नेटवर्क ऑफ आर्टरीज जिसको आप सिस्टेमिक आर्टरीज कहते हैं वहां तक जाता है और सिस्टेमिक आर्टरीज से ये जो ब्लड होता है वो टिश्यूज को ऑप्टेन होता है और टिश्यूज जो है इस ब्लड को वैना कावा एंड अदर नेटवर्क ऑफ सिस्टेमिक वेंस के थ्रू राइट एट्रियम ऑफ हार्ट तक पहुंचा देते हैं इसका मतलब साफ है कि आपको चार ऑप्शंस दिख रहे हैं जब आप केयरफुली इन चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आंसर है आपका ऑप्शन डी क्लियर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं गिवेन विलो आर फिगर्स ऑफ ब्लड वेसल्स आइडेंटिफाई दम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपकी एनसीआर में आपने देखा है कि आर्टरीज वैनस और कैपेलरीज के रिगार्डिंग एक फिगर बना हुआ है और उस फिगर को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि जो वैन्स हैं उनका डायमीटर जो है यानी कि उनके अंदर जो ल्यूमेन है उसका डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है याद रखिए एंड जो वेंस हैं उनकी जो मस्क्यूलर वॉल होती है वो आर्टरीज के कॉम्पेरिजन में क्या होती है थिन होती है तो ये दो चीजें आप हमेशा याद रखिए जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं वैन को आर्टरी से डिफ्रेंशिएट स्ट्रक्चरली करने का बहुत अच्छा तरीका है कि वैन के अंदर का ल्यूमेन जो होगा उसका डायमीटर आर्टरी से ज्यादा दिखेगा आपको जबकि आर्टरीज में आपको मस्क्यूलर वॉल वैन के कॉम्पेरिजन में ज्यादा थिक दिखेगी तो बहुत सिंपल है यहां पर पहचानना आप देख सकते हैं कि ये जो भी ब्लड वेसल है उसके अंदर का जो ल्यूमेन है वो ज्यादा है कॉम्पेरिजन में इस वाली ब्लड वेसल के इसका मतलब साफ हुआ कि ये वैन है और ये आर्टरी है क्योंकि तो आप देख सकते हैं यहां पर जो मस्क्यूलर वॉल है स्मूथ मसल्स की वो इस वाली ब्लड वेसल्स के पास ज्यादा थिक है और इसके पास बहुत थिन है तो अल्टीमेटली यहां पर ये आर्टरी है ये वैन है आपकी और बीच में जो आपको दिख रही है एक बहुत ही थिन वॉल वाली ब्लड वेसल जिसका डायमीटर भी आपको कम समझ में आ रहा है इसको आप कह सकते हैं कैपिलरी ठीक है ना तो यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हैं कैपिलरी इसका मतलब साफ हुआ कि जो ए है वो वैन है बी है वो कैपिलरी है और जो सी है वो आर्टरी है तो आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए का मतलब वैन बी का मतलब कैपिलरी और सी का मतलब आर्टरी तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए डेट इज ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन है राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ह्यूमन हार्ट में चार चैंबर्स होते हैं इस तरीके से ये मैंने एक रफली ह्यूमन हार्ट को बना लिया और इसमें चार चैंबर होते हैं ये होता है आपका राइट एट्रियम ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम ये राइट right वेंट्रिकल और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं तो राइट right एट्रियम जो है वो ब्लड को रिसीव करता है किसकी हेल्प से तो हम सभी जानते हैं कि इनफीरियर और सुपीरियर वेनाकावा जो है वहाँ से ब्लड को रिसीव किया जाता है राइट right एट्रियम में इंफीरियर वैनाकावा जो है वो हार्ट के लोअर साइड पर या लोअर डायरेक्शन में जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से डी ब्लड को लेकर आती है जबकि जो सुपीरियर वैनाकावा है वो हार्ट के ऊपर जो अपर ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हालांकि ये बात और भी है कि राइट एट्रियम डी ब्लड को रिसीव करती है फ्रॉम कोरोनरी साइनस जो कि एक्चुअली में हार्ट की कार्डियक मसल से आने वाला डी ब्लड होता है तो आप ओवरऑल इस चार ऑप्शन को पढ़ने के बाद सही अंदाजा लगा सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है कि राइट एट्रियम रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम ए एरटा तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है पल्मोनरी वैन तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि पल्मोनरी वेंस की हेल्प से हमारा लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है पल्मोनरी एरटा नाम का कोई भी आर्टरी नहीं होती है पल्मोनरी आर्टरी होती है उसको आप एरटा नहीं कहते हैं एरटा एक्चुअली में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज में लेकर जाने वाली एक इंपॉर्टेंट मेजर आर्टरी है तो यहां पर ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हैं आपको दिख रहा है फिर सी ऑप्शन में कहा जा रहा है इंफीरियर वेनाका ओनली तो ओनली यहां पर लगा हुआ है इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि राइट right एट्रियम जो है हार्ट का वो सुपीरियर और इंफीरियर दोनों वेनाकावा से डी ब्लड को रिसीव करता है इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज आंसर ऑप्शन डी ठीक है ना तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फिर सिक्स नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स विच तो यहां पर चार अलग अलग कह सकते हैं डेफिनेशंस दी जा रही हैं किसके रिगार्डिंग आर्टरीज के रिगार्डिंग आपको सिलेक्ट करना है सही डेफिनेशन कौन सी है जो करेक्टली डिफाइन करती है आर्टरीज को तो पहला लिखा हुआ है सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन तो मैं आपको यहां पर एक एक्सेप्शनल केस बता सकता हूं वो ये है कि पलमोनरी आर्टरी जो है वो डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेकर जाती है इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से आर्टरीज को डिफाइन करे ऐसा पॉसिबल नहीं है अगला ऑप्शन है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है आर्टरीज की क्योंकि चाहे पलमोनरी सर्कुलेशन की बात करें आप या आप सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। तो यहां पर एक ऐसी डेफिनेशन हम कह सकते हैं आर्टरीज के रिगार्डिंग कि ऐसी ब्लड वेसल्स आर्टरीज हैं जो ऐसे ब्लड को कैरी किए होती हैं जिसे वो हार्ट से लेकर जाती हैं अब हार्ट से अगर वो लंग्स में लेकर जा रही हैं तो दे आर द आर्टरी ऑफ सर्कुलेशन और अगर वो हार्ट से ब्लड को लेकर टिश्यूज में जा रही हैं, बॉडी के अदर पार्ट्स तक जा रही हैं तो दे आर द आर्टरीज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन इसलिए बी ऑप्शन यहां पर अभी तक के सभी ऑप्शन में एकदम करेक्ट डेफिनेशन है आर्टरीज की अगला है ब्रेकअप इंटू कैपलरीज विच रीयूनाइट टू फॉर्म बताना चाहता हूं कि यह ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर एक आर्टरी हमारी बॉडी में अपने आप आपको ब्रेकअप करें टू कैपलरीज और फिर रीयूनाइट होकर वैन का फॉर्मेशन करे ऐसा केवल वो आर्टरीज कर सकती हैं जो टिश्यू साइट पर ब्लड को लेकर जा रही हैं तो वो अपने आप को ब्रेकअप करके छोटे छोटे डायमीटर्स की कैपलरीज को बनाती हैं ताकि डिफ्यूजन हो सके वहां पर एक्सचेंजिंग हो सके न्यूट्रिएंट और गैसेस की तो ये ऑप्शन भी यहां पर 100% सही डिफाइन नहीं कर सकता आर्टरीज को एंड डी ऑप्शन है कैरी ब्लड फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू अनदर विसरल ऑर्गन ऐसा तो कोई पोर्टल वैन ही कर सकती है इसलिए ये भी गलत है हमने पढ़ा हुआ है कि पोर्टल वैन ऐसा कर सकती हैं कि एक विसरल ऑर्गन से दूसरे विसरल ऑर्गन को ब्लड जो है वो सप्लाइड करें जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स से एक पोर्टल वैन लिवर में जाकर ब्लड को सप्लाई करती है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है इनहेपैटिक पोर्टल सिस्टम तो ये ऑप्शन भी यहां पर इनकरेक्ट ही हो जाता है अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए डेट इज ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है कैरोटिड आर्ट्री सप्लाई मतलब कि आपको ही पहले मालूम होना चाहिए कैरोटेड आर्टरी क्या होती है तो हम हमेशा से एरटा के स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए आए हैं और हम सभी जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली एक मेजर आर्टरी ए ओरटा होती है ए ओरटा को हम थ्री सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं इसको हम एसेंडिंग सेंडिंग ए ओरटा कह सकते हैं इसको हम डिसेंडिंग सेंडिंग ए ओरटा कह सकते हैं जबकि दोनों के बीच में एक आर्च ऑफ एरटा होता है आर्च ऑफ ए ओरटा आर्च ऑफ जो है उससे आप देखते हैं थ्री आर्टरीज इमर्ज होती हैं जिसमें से पहली इस आर्टरी को हम ब्रांचियो आर्टरी कहते हैं इस ब्रांचियो सिफेलिक आर्टरी जिसको मैं यहां पर ब्रांचियो सिफेलिक आर्टरी को बी डॉट ए करके लिख देता हूं इससे फर्दर दो आर्टरीज यहां पर इमर्ज होती है इसमें से एक आर्टरी को आप राइट सब क्लेवियन आर्टरी कहते हैं इसको आप राइट रोटेड आर्टरी कहते हैं जिसका हमें क्वेश्चन में जिक्र किया जा रहा है इस वाली आर्टरी को जो आर्च ऑफ से डायरेक्टली इमर्ज होती है उसको आप लेफ्ट आर्टरी कहते कहते हैं हैं और इसको आप सब क्लेवियन क्लियर तो राइट कैरोड आर्टरी और लेफ्ट कैरोड आर्टरी ऐसी हैं जो आर्च ऑफ एटा से इमर्ज होती हैं लिटरली और ये ब्रेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है यानी कि इस क्वेश्चन का सीधा आंसर है ऑप्शन सी तो आप यहां पर राइट right आंसर क्या लिखेंगे ऑप्शन सी हमेशा याद रखिए कैरोटेड आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन तक लेकर जाती हैं और ये इमर्ज होती हैं आर्च ऑफ एओर्टा से ये बिल्कुल आपको याद रखना है कंसेप्ट बहुत जरूरी है अगला क्वेश्चन है, all carry blood accept, कि ऐसी कौन सी वैन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है other जो हैं वो blood को carry करती तो यहां पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी की सभी वैनस जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की वैन है स्पेशली वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वैन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर आती है और हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाकर डाल देती है यानी कि पल्मोनरी वैन एक लौती ऐसी वैन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है इसका मतलब साफ है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन ए क्लियर तो आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली समझा होगा उनके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बता सकते हैं आज के इस लेक्चर में इतना ही मुझे आपको बताना था थैंक यू वेरी मच